चल रहा है यहाँ पे। बहुत सारे कश्मीरी एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो अपने प्रोडक्ट्स लेकर आए हैं। हमारे यहाँ के जो कश्मीरी म्यूजिशियंस हैं, शाम के बाद रोज़ उनकी लाइव परफॉर्मेंस हो रही है। सो ऑफकोर्स हम कश्मीर के एंटरप्रेन्योर्स म्यूजिशियंस सबको हम एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं, एंड उसके अलावा हम सब फैमिलीज़ को, फ्रेंड्स को एक मौका देना चाहते हैं टू कम टुगेदर एंड एन्जॉय द कार्निवल। मिर्ची शॉपिंग कार्निवल 2.0 जो है, इस साल दूसरा सीज़न है। पिछले साल भी हम ये लेके आए थे और ये मिर्ची का अपना इवेंट है जिसमें हमने कोशिश ये की है कि हम एंटरटेनमेंट को ऑन ग्राउंड लेके जाएं। देखिए, मुद्दा और मकसद मेरा क्या होता है, चाहे मैं सोशल मीडिया पे आऊं, चाहे मैं रेडियो पे आऊं, लोगों को इन्फॉर्मेशन दूं, लोगों को जो है एंटरटेन करूं। मेरा मुद्दा और मकसद यही रहता है कि हम लोगों को एंटरटेन करें। मिर्ची पे हम सबका मुद्दा और मकसद यही रहता है। तो अब इसको रेडियो से बाहर लेने का इस बार हमने सोचा। पिछले साल भी किया, हर साल हम करते हैं। ये जो सालाना एक इवेंट हो आसा सोन, जहाँ पे हमारी कोशिश यही रहती है कि खाने का इंतज़ाम हो, शॉपिंग का इंतज़ाम हो और म्यूज़िक परफॉर्मेंसेज हो, क्योंकि कश्मीर में बहुत कम हम देखते हैं कि फैमिली पूरी की पूरी, अलग अलग तो हम जाते हैं, सारी फैमिली छ नबर इवान के फैमिली यूज आसा स्वच्छ तिल नेरा नेबर ये लिख कहाँ तिमन रीज़न दे बोस। ड्रग्स के हवाले से हमने रेडियो पर सस्टेन कैंपेन्स किए हैं और मुझे लगता है, और ये बात मैं बहुत सोच समझ कर कह रहा हूँ, कि रेडियो और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, चूँकि लोग सैन का बोजान, हमारा फोकस होना चाहिए प्रिवेंशन पर। ठीक है, हम लोगों को ये भी बताएं कि रिहैब है, आप बाहर भी निकल, हमारा काम होना चाहिए लोगों को इतनी आगही कराने में कि लोग इससे इज्तनाब करें। इतना लोगों को हमें इंफॉर्मेशन देना है कि लोग इसके नज़दीक जाएँ ही ना। तो ये हमारी कोशिश रहनी चाहिए, मेरी खुद भी ये कोशिश रहती है कि मैं लोगों को कि ये नहीं करना है, इसमें जाना ही नहीं है। सो वहाँ प्रिवेंशन पे हमारा जो है फोकस बड़ा रहना चाहिए, बिकॉज इट्स अ प्रेसिंग प्रॉब्लम। ड्रग एडिक्शन इज़ बिकम अ प्रेसिंग प्रॉब्लम इन कश्मीर। सो इस पर इज्तनाब लोग करें, तमाम जो है हमारे अवेयरनेस कैंपेन शुड बी डिज़ाइंड इन दैट मैनर एज अ ब्रॉडकास्टर।